आप सभी लोग देखते होंगे कि जब भी दिल्ली सरकार की बात होती है तो खासकर आपने देखा होगा कि एजुकेशन विभाग यानी कि शिक्षा विभाग काफी चर्चा में रहता है। और आपको बता दूं कि देश की ही बात छोड़िए, विदेशों से भी लोग दिल्ली के स्कूलों की तारीफ कर चुके हैं। और आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले रिजल्ट आया तो उसमें प्राइवेट स्कूलों से बेहतर रिजल्ट सरकारी स्कूलों का रहा है, और आप सभी लोग जानते भी कि एक आम आदमी को, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, किसी भी तरह की बैकग्राउंड से हो, वो चाहता है कि अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दिला सके। और मैं तो ऐसा भी मानता हूं कि देखिए कि हर व्यक्ति को कितनी भी महंगी शिक्षा हो या सस्ती शिक्षा हो, सब कुछ उपलब्ध होना चाहिए। और आप देखिए कि आज हम अगर शिक्षा व्यवस्था ठीक करते हैं तो बहुत आगे तक हम लोग जा सकते हैं, बहुत कुछ पा सकते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री हैं आपके दिल्ली के, और इन्होंने शिक्षा के विभाग में अच्छा काम किया हुआ है। तो इनका फिर पूरा एक तरह से बैकग्राउंड देख लेते हैं। आप सभी जानते हैं कि राजनीति से पहले ये पत्रकार हुआ करते थे, तो आप ये भी देखते हैं। और मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल, काफी इनका दोनों का तालमेल भी है। और ऐसा भी कहा जाता है कि मुख्यमंत्री कहने के लिए अरविंद केजरीवाल हैं, लेकिन हकीकत में अगर कोई सरकार को चलाता है और जो मुख्य विभाग आपको देखने को मिलेंगे वो आपके मनीष सिसोदिया के पास देखने को मिलेंगे, ठीक है। और आपने देखा होगा पिछली क्लास में हमने आपके अरविंद केजरीवाल के बारे में भी बात की हुई थी। और वैसे एक बात और बता दूं कि देखिए, अब इनके पक्षकार होंगे उन्हें इनमें बुराई ही नहीं दिखती होगी आम आदमी पार्टी में, जो इनके विरोधी होंगे उन्हें अच्छाइयाँ ही नहीं दिखती होंगी, उन्हें सब गलत लगता होगा। तो ये उनकी नज़रों की बात है। अगर आप लोग न्यूट्रल होकर देखते हैं तो आपको सभी में अच्छाइयाँ भी देखने को मिलेगी और बुराइयाँ भी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीन पर सामने दिखाई भी दे रहा होगा आपको कि ये है आपके मनीष सिसोदिया साहब, दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, ये है मनीष सिसोदिया। और इन अगर हम लोग इनके जन्म की बात करें तो 5 जनवरी 1972 को हुआ था, यानी कि आप सोचिए कि जो बांग्लादेश आपका बना हुआ है, आप सभी जानते हैं कि 1971 में ही बांग्लादेश बना था, और 1971 में आप सभी को मालूम होगा कि भारत और पाकिस्तान की लड़ाई भी हुई थी, और उसके बीच एक नया देश उभर के बांग्लादेश आया था। जन्म स्थान की बात करें तो पिलखुआ जिला हापुड़ उत्तर प्रदेश से संबंध रखते हैं। और इनके पिता की बात करें तो धर्मपाल सिसोदिया जो अध्यापक थे पेशा से, और पत्नी की बात करें तो सीमा सिसोदिया, और बेटा की बात करें तो मीर सिसोदिया, इनका ये परिवार है। कॉलेज की बात करें तो भारतीय विद्या भवन नई दिल्ली से इन्होंने शुरुआती जो भी कॉलेज की पढ़ाई होती है उसे करते हैं। और आप सभी जानते हैं कि पत्रकारिता में डिप्लोमा हासिल किया हुआ है, इनकी शैक्षणिक योग्यता यही है। आप सभी को मालूम होगा कि पत्रकारिता के लिए पत्रकारिता की पढ़ाई होती है और वो करते भी हैं, ठीक है। और आप देखेंगे कि इनके अगर हम व्यवसाय की बात करें, शुरुआत में इन्होंने जी न्यूज और ऑल इंडिया रेडियो में पत्रकारिता का काम भी किया हुआ है। जी न्यूज तो आप लोग बेहतर समझते भी होंगे आज उसका क्या हालत है उस चैनल का, ठीक है। अगर हम लोग इनके राजनीति की बात करें तो सन 2012 से ये राजनीति में प्रवेश करते हैं, और आपने देखा होगा कि 2012 में ही आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था। और आपको बता दूं कि पहले ये अरविंद केजरीवाल से 1999 में मिलते हैं। अरविंद केजरीवाल की जब बायोग्राफी यानी कि जीवनी कवर की हुई थी तब आपको बताया भी था। तो ये आगे चल के एनजीओ बनाते हैं, उसके जरिए लोगों की मदद भी करते हैं, समझ रहे हैं। और इनकी राजनीतिक पार्टी की बता चुका हूँ कि आम आदमी पार्टी है। और पसंदीदा अभिनेता की बात करें तो अमिताभ बच्चन, आमिर खान और दिलीप कुमार इनके पसंदीदा अभिनेता हैं। पसंदीदा गायक की बात करें तो मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर, किशोर कुमार, आप भी तो अपने बताते रहते हैं कि मेरा पसंदीदा गायक ये है या पसंदीदा अभिनेता ये है, आप उसके गाने सुनते रहते हैं, उसकी मूवियाँ देखते रहते हैं। और आपके भी शौक रहते हैं कि फेसबुक चलाना, व्हाट्सएप चलाना। तो इनके अगर शौक की बात करें तो पुस्तकें पढ़ना, शतरंज खेलना, यात्रा करना, इनके सभी शौक हैं। अब बात करते हैं इनके शुरुआती सफर की। तो 1973 में पत्रकार के तौर पर इन्होंने करियर अपना शुरू किया,
और सिसोदिया ने 1993 में भारतीय विद्या भवन में से जन संचार में डिप्लोमा पूरा किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में जुड़ गए। 1996 में इन्होंने अखिल भारतीय रेडियो के लिए जीरो आवर नामक एक कार्यक्रम को होस्ट भी किया। और 1997 के बाद आप देखेंगे, इसके बाद सिसोदिया ने जी न्यूज में खबर निर्माता और न्यूज रीडर के तौर पर सन 2005 तक काम किया। सन 2005 तक, 2006 में केजरीवाल और अभिनंदन सेखरी के साथ मिलकर सिसोदिया ने 2006 में पब्लिक कोज रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की। एक तरह से लोगों की मदद करना इस फाउंडेशन का काम होता है। आप लोग देखते हैं ना कि आप भी एक फाउंडेशन बना लेते हैं और लोगों की मदद करने के लिए, लोगों की शिक्षा के लिए या किसी और भी तरीके के लिए। फिर आप देखेंगे 2011 में सिसोदिया ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे के आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपको एक और बात बता दूं कि आपने देखा है कि 1977 के आसपास जेपी आंदोलन चला, 75 से 77 के बीच इमरजेंसी लगी हुई थी, इसी के बीच आपका जयप्रकाश नारायण, आप लोगों ने नाम सुना होगा। इस आंदोलन के बाद आपने देखा है कि इंदिरा गांधी चुनाव हार जाती हैं, वो अपनी सी भी सीट हार जाती हैं, उनकी पार्टी भी बुरी तरह से हार जाती है, एक नई सरकार बनती है। उसके बाद आपने देखा लालू यादव हो, नीतीश कुमार हो, या फिर और भी आप लोग नेता देखिए, सुशील मोदी हो, इस तरह के कई नेता उस आंदोलन की देन थे। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि अन्ना आंदोलन की भी बहुत सारे नेता देन है, अरविंद केजरीवाल, कुमार विश्वास, मनीष सिसोदिया, योगेंद्र यादव, ये सभी आप देखेंगे अन्ना आंदोलन के ही से निकले हुए नेता है एक तरह से, ठीक है। और इनके अगर आप राजनीतिक यात्रा की बात करें तो 2012 में वह आम आदमी पार्टी के राजनीतिक मामलों की समिति के सदस्य बनते हैं। आप सभी को मालूम है कि 2013 की दिल्ली में विधानसभा चुनाव होते हैं और वह पूर्वी दिल्ली के प्रतापगंज निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा सदस्य के रूप में चुने जाते हैं, यानी कि विधायक बनते हैं 2013 में। आपको एक बात और बता देता हूँ, विधायक आप सभी जानते हैं कि आप ही चुनते हैं, डायरेक्ट जनता के द्वारा चुने जाते हैं। अगर आप 18 साल के हो चुके हैं तो आपको वोटर आईडी भी बन चुकी होगी और आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। और अगर आपको विधायकी का चुनाव लड़ना है तो आपकी कम से कम 25 वर्ष आयु होनी चाहिए, ठीक है। फिर देखेंगे आप लोग 2015 में आपका विधानसभा चुनाव होता है और वह पुनः पूर्वी दिल्ली के प्रतापगंज निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा सदस्य के रूप में चुने जाते हैं। फिर आप सभी जानते हैं कि 2020 में भी ये विधानसभा चुनाव होते हैं दिल्ली में और पटपड़गंज सीट से मनीष सिसोदिया तीसरी बार विधायक चुने गए हैं। और आप देखिए कि दो बार 2015 के चुनाव में और 2020 के लोग विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को बहुत शानदार जीत मिली हुई थी, सबके आप देखिए सूपड़े साफ हो गए थे। तो आप समझ सकते हैं कुछ तो काम किया होगा, वरना इतनी भारी बहुमत मिलना इतना ये आप समझ सकते हैं बड़ा आसान भी नहीं है। और मैंने तो आपको बताया कि मैंने अपनी जिंदगी में पहला ऐसा कोई मुख्यमंत्री या उस पार्टी के नेता देखे जो खुल के कह रहे थे मंच से कि अगर हमने आपके लिए काम किया हुआ है तभी आप वोट देना हमें, वरना मत देना वोट में। आज तो आप देखिए कि किस तरह से नेता वादे करते हैं और मुखर जाते हैं, तो एक बहुत बड़ी बात होती है। अब इनके विरोधी हों या पक्षकार हों, मैं उस पर ज्यादा बात भी नहीं करूंगा, लेकिन हकीकत यही है। अगर हम इनकी नियुक्तियों की बात करें तो राजनीतिक मामलों की समिति और राष्ट्रीय कार्यकारी के सदस्य भी रहे, विधायक प्रतापगंज दिल्ली से रहे और उप मुख्यमंत्री दिल्ली के अभी हैं ही। और दिल्ली की आप बात करें तो दिल्ली कैबिनेट में पर्यटन, शिक्षा, वित्त, योजना, भूमि और भवन, सतर्कता, सेवाएं, महिला एवं बाल विकास, कला, संस्कृति और भाषाएं, ये सभी विभाग संभाल चुके हैं। शिक्षा मंत्री का भी विभाग संभाल रहे हैं। तो आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल तो नाम के मुख्यमंत्री है लेकिन काम के मुख्यमंत्री है, तो आप कह सकते हैं कि मनीष सिसोदिया हो गए। अब देखिए ये कुछ विवादों से भी घिरे रहे हैं, इन्हें भी देख लीजिएगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब आप नेता बनते हैं तो विवाद भी आपका पीछा करते रहते हैं। 2016 में सीबीआई ने उनके खिलाफ प्राथमिक जांच पी दर्ज की थी, क्योंकि उन्होंने एक मीडिया कैंपेन टॉक टू एके के दौरान नियमों और विनियमन का उल्लंघन किया है, जो मोदी की मन की बात कार्यक्रम जैसा एक टॉक शो था। और आपको बता दें, देखिए अभी की सरकारों की, केंद्र सरकार की बात नहीं कर रहा हूं,
केंद्र में जिसकी भी सरकार रहती है वो राज्य सरकारों पर इस तरह के सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, ईडी हो, इनका उपयोग करती है। सरकारें गिराने और बनाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाती है, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और कांग्रेस की सभा रही तो आप देखें कांग्रेस ने भी ये काम किया हुआ है, और अभी बीजेपी है तो आप देख रहे हैं विभिन्न राज्यों के नेता डरते भी है। 2016 में आपने देखा होगा वही एक थे विवाद में फंस गए थे, जिसमें गाजीपुर वेजिटेबल एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेंद्र गोस्वामी ने दिल्ली में कुछ सब्जी विक्रेताओं को धमकी देने के लिए मनीष के खिलाफ एक लिखित शिकायत दर्ज करवाई थी। 2015 में एक हिंदुस्तान टाइम्स के पूर्व संपादक एजे फिलिप ने दावा किया था कि सिसोदिया की फराज स्नातक की डिग्री पर सवाल उठाए थे, जिसमें उन्होंने कहा है कि जिस समय मनीष सिसोदिया भारतीय विद्या भवन में पढ़ाते थे उस समय उनकी कॉलेज में छात्र होने के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। तो अब देखिए नेताओं के बारे में फर्जी डिग्री, अभी आपने कुछ समय पहले देखा होगा प्रधानमंत्री की डिग्रियों पर सवाल उठ रहे थे, कांग्रेस की तरफ से उठाए जा रहे थे। ए मनीष सिसोदिया से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियां भी है। मनीष इंडिया अगेंस्ट करप्शन के संस्थापक सदस्य भी रहे हैं, और इन्होंने वर्ष 2011 में अन्ना हजारे के जन लोकपाल आंदोलन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। आपको बता दूं कि देखिए कहा जाता था कि जन लोकपाल आने के बाद भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, मुझे तो कभी ऐसा लगता था कि ये जादू की छड़ी आने वाली है कि एक जादू की छड़ी हिलाई और पूरा भ्रष्टाचार खत्म। इस भारत के हर नागरिक के खून में एक तरह से आप कहिए कि भ्रष्टाचार भर चुका है, और इस भ्रष्टाचार को निकालना इतना आसान भी नहीं है। कितनी भी एजेंसी बना लीजिए, कुछ भी बना लीजिए, और हर इसमें हर व्यक्ति शामिल है। आप देखिए कहीं काम नहीं होता है तो हम ही आप कहते हैं कि चलिए 500 रुपये दे देते हैं, काम कर दीजिएगा, तो उसके भागीदारी हम भी हो जाते हैं, हम भी तो जन्म दे रहे हैं। तो ये देखने को मिलेगा, और इतना आसान भी नहीं है भ्रष्टाचार। ये सही बात है कि देश को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं। मनीष सिसोदिया ने सूचना अधिनियम के अधिकार के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाया था। आपको बता दूं आरटीआई के बारे में विस्तार से बात की हुई हमने, सूचना अधिकार के बारे में। आप इसके तहत आप देखिए आप कि आपको जो नेता हो या कोई अधिकारी पीछे भगा रहा होता है, आप जिसके पीछे हाथ जोड़े फिर रहे होते हैं, अगर इस सूचना के अधिकार का उपयोग करते हैं आप, तो वही अधिकारी या नेता आपके पीछे हाथ जोड़ के खड़ा रहेगा। लेकिन आप देखिए ये लोग डरते हैं, इसलिए सूचना नहीं मांग पाते हैं। तो इसे ये लेकिन अधिकार मिला तो हुआ है, ठीक है। और आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक है मनीष सिसोदिया, जिसके चलते इन्होंने केजरीवाल के साथ मिलकर 2006 में पब्लिक कोज रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना भी की हुई थी, इस पर भी बात कर चुके हैं। मनीष वर्ष 2016 में सुर्खियों में तबाह जब प्रसिद्ध लेखक चेतन भगत ने सिसोदिया की फिनलैंड की यात्रा से संबंधित ट्वीट पर एक तर्क दिया था। मनीष IIM अहमदाबाद भी गए थे, जहां इन्होंने भारतीय शिक्षा के विषय पर चर्चा भी की हुई है, और शिक्षा में तो बेहतर काम किया हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए मुझे लगता है। और अभी दिल्ली में मुख्यमंत्री भी है, और केजरीवाल के एक मजबूत हर समय खड़े रहने वाले सहयोगी भी हैं। तो यही कहानी है मुझे लगता है कि मनीष सिसोदिया की। आने वाले समय में जब भी टाइम मिलता है मैं संजय सिंह के बारे में भी बात कर लेंगे, क्योंकि कई लोगों का कहना है कि संजय सिंह आखिर हैं कौन, क्योंकि आप देखते हैं संजय सिंह बेबाक बोलते हैं, राज्यसभा देख लीजिए कितना हड़कंप मचा देते हैं, और मुझे लगता है कि 10-5 ऐसे अगर और भी राज्यसभा सांसद होते तो आप सोचिए क्या होता नजारा। एक ही आप देखिए किस तरह से अपनी आवाज उठाता रहता है, जैसा भी है अच्छी अपना अपना सोच भी है, अपना देखने का नजरिया भी है, ठीक है। क्योंकि आप किसी भी पार्टी में जब अंधभक्ति से लग जाते हैं, मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ, ना कांग्रेस, ना सपा या ना आप पार्टी, आप किसी भी पार्टी की, तो उसमें आपको बुराई दिखनी बंद हो जाती है, आपको अच्छाइयाँ ही अच्छाई दिखने लगती हैं। तो इसलिए आप लोग, मैं कहता हूँ कि हमेशा आप न्यूट्रल रहिए, आप कम से कम आपको भगवान ने दो आँखें दी हुई हैं, आपके पास दिमाग है, उसका उपयोग तो कर सकते हैं कि आखिर सही क्या है गलत क्या है, ये तो मुझे लगता है कि देखना चाहिए। और ये तभी हो सकता है जब शिक्षा मिलेगी, जब जानकारी इकट्ठी होगी आपके पास, और नेता कभी नहीं चाहेंगे शिक्षा उपलब्ध हो आपको, आपके बच्चे पढ़ लिख जाएं, ठीक है। तो आप लोग देखते रहिए, फिलहाल इनकी कहानी मनीष सिसोदिया की यही है, हम लोग मिलते रहेंगे।